PWIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आप लोगों के सामने शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है और जनजाति विभाग ने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 की, जो कि PV के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी, उसकी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। दोस्तों, जैसे जैसे ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, युवाओं में आक्रोश भी अपनी उसी चरम सीमा तक जा रहा है। हम जानते हैं कि जैसे ही लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें पदों की संख्या को बताया गया, और जैसे ही पदों की संख्या को देखा गया तो हमने देखा कि सोशल साइंस में 60, विज्ञान में 50, हिंदी में 100 और उर्दू में मात्र 18 पद निकाले गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और इसी तभी से लेकर के आज युवा आक्रोशित है, क्योंकि इतनी मेहनत से उसने तैयारी की है, मेरिट में अपना बहुत अच्छा स्थान बनाया है और निश्चित रूप से वो सोच रहा था कि इतने साल के बाद में पद निकले हैं तो मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, मैं टीचर बन जाऊंगा। कई ऐसे हैं जो कि ओवरएज होने जा रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अतिथि शिक्षक के रूप में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अतिथियों के साथ भी अन्याय किया गया, विदाउट अतिथियों के साथ भी अन्याय किया गया। तो किसी भी स्थिति में जो है युवा है, वो दोनों प्रकार का युवा हर प्रकार से आक्रोशित है, परेशान है, एक मानसिक रूप से प्रताड़ना सह रहा है और जब से ही आंदोलन एक विद्रोह का रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब अभ्यर्थियों के द्वारा एक और नई बात सामने आ रही है और वो है कि पदों को छुपाने से संबंधित, कि गवर्नमेंट के द्वारा काफी संख्या में पद थे, लगभग 80,000 पदों पर भर्ती की जाना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने केवल 20,000 पदों को ही इसमें सिलेक्ट किया है और उसके बाद भी विभिन्न सब्जेक्ट्स की इतनी कम पोस्ट निकाली है कि बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और इन पर काफी आंदोलन किया जा रहा है। यदि हम आंदोलनों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ विज्ञान समूह को लेकर के। विज्ञान समूह में हम जानते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि सुशील मेहरा ने एक याचिका लगा दी थी और उसके बाद से अभी तक वो केस चल रहा है, पेंडिंग ही है और हाईकोर्ट ने अपने निर्णय को सुरक्षित रखा है और तब तक उसका निर्णय नहीं आ जाएगा। अभी एक डेट और आगे आ गई है, 28/4/2020 को अब हाईकोर्ट अपना फैसला देगा या फिर डेट आगे बढ़ाएगा, ये हम नहीं कह सकते, ये भविष्य के गर्त में है। तो ये केस जब तक नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया में सब कुछ पूरा हो जाएगा लेकिन किसी प्रकार का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद दूसरी बात कर ले हम तो अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षक काफी समय से, लगभग 80-90 दिन उनको आज हो गए हैं, भोपाल के शाहजहां पार्क में आंदोलनरत हैं और कई प्रकार के जो है आमरण अनशन किए जा रहे हैं, कई प्रकार की सभाएं की जा रही हैं। जैसा कि आप लोग इसको देख सकते हैं कि इसका विरोध निरंतर जारी है। आइए मैं आप लोगों को इसकी वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जो कि पात्र परीक्षा अभ्यर्थी संघ के जो संयोजक हैं रंजीत कुमार गौरजी द्वारा, उनके आह्वान पर, उनके निर्देशन में ये जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक आंदोलन विकराल रूप देता हुआ नजर आ रहा है। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप। हमारी मांगे पूरी करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, रिक्त पदों में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जारी विज्ञप्ति में संशोधन करो, जारी विज्ञप्ति में संशोधन करो, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार चाहते, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार चाहते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार चाहते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जारी विज्ञप्ति में संशोधन करो, जारी विज्ञप्ति में संशोधन करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से लोगों में आक्रोश व्याप्त है, पूरे युवाओं में आक्रोशित है। उन्होंने कहा है कि भाई, जब चुनाव में वादा किया था कि हम 1,20,000 पदों पर भर्ती करेंगे, लेकिन इतने पदों पर भर्ती बिल्कुल भी नहीं की जा रही और जिन पदों पर भी की जा रही है उनमें सबसे ज्यादा जो संख्या में होते हैं वो होते हैं 8। हम जानते हैं कि 14 शिफ्ट में 8 सब्जेक्ट के पेपर लिए गए थे और इसी प्रकार से साइंस भी काफी शिफ्ट में आयोजित किया गया था। उसके बाद में जब पोस्ट सामने आई तो एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी तो लाखों की संख्या में थे, लेकिन जब पोस्ट सामने आई तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद में दूसरी बात है अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षक जो है उनको 75% में भर्ती में नहीं लिया गया, क्योंकि 25% में सीमित दायरे में उनको कर दिया गया, जबकि उनका कहना है
कि भाई जब हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो हमको उन 75% की सूची में भी अपनी योग्यता के आधार पर आना चाहिए। अब इसमें समस्या ये हुई कि अब वो केवल 25% के दायरे में ही बंद करके रह गए हैं। ये बिल्कुल जुआ खेलने जैसी स्थिति हो गई है कि भाई आप यदि अतिथि शिक्षक हो और अतिथि भरोगे, चाहे वो कम जाए या ज्यादा जाए, आपको इसी में लिया जाएगा। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है अभ्यर्थी शिक्षक संघ के द्वारा, विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से विभिन्न ज्ञापन के माध्यम से कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें पदों को छुपाया गया है, पद काफी संख्या में खाली थे, यदि इस पद खाली संख्या में खाली नहीं होते तो अतिथि शिक्षक इन पर लाखों की संख्या में कार्य कैसे कर रहे होते। और इस ऐसी स्थिति में होने पर हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यदि हम हिंदी भाषा की बात करें तो इसको भी पद संरचना के आधार पर छठवें स्थान पर रख दिया गया है। उसी प्रकार साइंस को भी पांचवें स्थान पर पहुंचा दिया गया है और जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी आरटीई नियमों के अनुसार नहीं हो रही है। ये कहना है समूह के द्वारा, शिक्षक अभ्यर्थी संघ समूह के द्वारा, क्योंकि इसमें भी कई ऐसे युवा हैं, कई अतिथि शिक्षक सभी लोग शामिल हैं जो कि मेरिट में अपना एक बहुत अच्छा स्थान रखते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम जब बात कर लेते हैं कि इसके संबंध में आयुक्त ने क्या बयान दिया, जो जयश्री कियावत मैडम है उनके द्वारा कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः नियमों के आधार पर ही हो रही है। इसके बाद भी शासन हमको जो भी नियम देगा, जो भी जिस प्रकार से भी हमारा मार्गदर्शन करेगा, जो भी निर्देश हमको शिक्षा विभाग द्वारा शासन के द्वारा दिए जाएंगे, हम उस पर विचार करेंगे, हम उसको निश्चित रूप से मानेंगे। लेकिन अभी जो पद संरचना है, जितनी पोस्ट जिस सब्जेक्ट में खाली थी उसी प्रकार से पद निकाले गए हैं और अतिथि शिक्षकों को भी उसी प्रकार से नियम के आधार पर नियुक्ति दी गई है जो कि हमने शिक्षक भर्ती परीक्षा की नियमावली में जारी की थी। ये कहना है जयश्री कियावत मैडम का। लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से युवाओं में आक्रोश है और ये आक्रोशित होना बिल्कुल सही बात बनता है, बिल्कुल सही ढंग से ये आक्रोशित होना बनता है युवाओं का। उसका रीजन है पोस्ट का सबसे कम आना। कम से कम इतनी पोस्ट तो आना चाहिए थी कि जो अच्छी मेरिट रैंक वाले हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। हालांकि जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, जिनका मेरिट में नाम आ चुका है, उनको बहुत बहुत बधाई। और अभी भी यदि हम देखा इसकी बात करें तो अभी भी किसी भी स्थिति में जो है बिल्कुल पारदर्शितापूर्ण कार्य नहीं हुआ है और अभी आगे क्या स्थिति बनेगी इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। उसके पीछे भी दोस्तों एक बहुत ही विशिष्ट कारण है। उसका कारण है कई प्रकार की याचिकाओं का, कई प्रकार की रिट का हाईकोर्ट में लगा होना। दोस्तों यदि हम रिट की चर्चा करें तो कम से कम 50-60 रिट जो है याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी हुई है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो एक साइंस की रिट लगी हुई है। साइंस के पदों की जो संरचना है वो आरटी के नियमों के अनुसार नहीं है और इसको सुशील मेहरा के द्वारा लगाया गया और उसका कोर्ट केस चल रहा है। दूसरा है दोस्तों अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षकों ने भी 25% आरक्षण के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी है और वहां पर भी जो है हाईकोर्ट इसका क्या निर्णय देता है, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया को आगे हिंड्रेंस करता है, अवरोध करता है या आगे बढ़ने देता है, ये हाईकोर्ट पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में महिला आरक्षण पर भी एक याचिका लगी हुई है जिसमें कि राजस्थान की एक महिला है, उन्होंने याचिका लगाई है कि जो नोटिफिकेशन में जारी किया था कि जो महिला आरक्षण है उसमें सभी लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन बाद में जो पीईबी ने, शिक्षा विभाग ने एक चेंज कर दिया और कहा कि इसमें केवल मध्य प्रदेश की महिलाओं को ही लिया जाएगा। इसकी वजह से बाहरी राज्य की महिलाएं बाहर हो गई हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो और इसके बारे में हाईकोर्ट ने एक लिखित में आदेश जारी किया है और शिक्षा विभाग से इसका आंसर देने के लिए कहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी सारी रिट, कितनी सारी याचिकाएं लगी हुई हैं और हाई कोर्ट को जो है जवाब देना है, शिक्षा विभाग को वह क्या जवाब देता है, ये प्रक्रिया किस प्रकार से आगे बढ़ती है, भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से रुकावट आ सकती है या किस प्रकार से ये पास हो सकती है, नियुक्ति होगी या नहीं होगी, ये सब भविष्य के गर्त में है। आंदोलनकारी अपना आंदोलन कर रहे हैं, तैयारी करने वाले अपनी तैयारी करते रहे, वर्ग 3 आने वाली है, हो सकता है कि वहां पर भी पोस्ट कुछ तो आएंगी। लोग कह रहे हैं कि 17,000 पोस्ट आने वाली है, 20,000 पोस्ट आने वाली है, लेकिन जब तक ये नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारा काम है कर्म करते रहना, इसलिए आप जो है वर्ग 3 की तैयारी बिल्कुल निश्चिंत होकर के करें, जो सिलेक्ट हुए हैं वो भी करें और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो भी करें, सभी लोग इसकी तैयारी करते रहें क्योंकि आगे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारी सोच तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी कि सभी लोगों का भला हो जाए, जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनको नियुक्ति जिला
जुलाई में मिल जाना चाहिए। और हाईकोर्ट ये भी संभावना है कि हाईकोर्ट इन सभी पर अपना निर्णय तुरंत देगा, क्योंकि ये लाखों लोगों के, लाखों उम्मीदवारों के भविष्य का सवाल है। वो गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान देगी, इसका संज्ञान लेगी। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। धन्यवाद।